वेलकम टू स्कॉलरशिप गाइडेंस सेंटर। आई एम अनिल जोशी सर एंड टुडेज टॉपिक इज ए स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड मैथ्स चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट 1.1। इन लास्ट लेक्चर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, नाउ सी दिस इज नंबर लाइन इज गिवन एंड in between 0 and 1 how many parts are there? See here, 1 2 3 4 parts. If 4 parts are there, then your denominator is always 4, remember. Okay, now see question number 1. Which number is indicated by point B? Abhi point B kidhar hai? Idhar hai point B. This is your point B. Okay, this is the point B. And this point B is indicated by which number? See, left hand side रहेगा तो मैंने क्या बोला है? Negative लेना है, okay? तो पहले हम negative लिखते हैं, 4 तो रहेगा, बराबर है, 4 parts है तो 0 से इधर तक कितना part है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That means minus 10 upon 4, okay? Which number is indicated by point B? Point B क्या दिखा रहा है? Minus 10 upon 4. और अगर इसको हम simplify करते हैं, तो कैसा आएगा? Minus sign as it is. 2 5 are 10 and 2 2 are 4. तो 2 2 gets cancelled and your answer is minus 5 upon 2. तो B क्या दिखाएगा? Minus 5 upon 2. Means your answer is minus 5 by 2 or minus 10 upon 4. Then which point indicates the number 1 integer 3 by 4? अब इसको convert करते हैं, देखो 4 1 जा 4, okay, 4 into 1 plus 3 divided by 4, 4 1 जा 4 plus 3 upon 4, 4 plus 3 is 7 upon 4. अभी 7 अपॉन 4 है, ये पॉजिटिव 7 है, मैंने क्या बोला है पॉजिटिव रहेगा तो 0 से कितना किधर जाना है? राइट हैंड साइड में, दैट मींस हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अपॉन 4। तो 7 अपॉन 4 व्हिच पॉइंट इज देयर? पॉइंट सी, दैट मींस पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर, इधर से आएगा ये कट होगा, पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3 बाय 4। The next question is, state whether the statement the point D denotes the number 5 upon 2 is true or false. Now see point D, where is point D here? See, this is the, your point D, okay? Now see up to D, how many points are there? Here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That means D point is 10 upon 4. 4 kyun liya pata chala? 0 or 1 के बीच में कितना पॉइंट है? 4 लाइन है, 4 पार्ट्स है, देयरफॉर टेक 4 एज अ डिनोमिनेटर, ओके, 10 अपॉन 4, नाउ सी 10 डिवाइडेड बाय 4 मींस अगेन सी हियर 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, दैट मींस 2 2 गेट्स कैंसिल एंड योर आंसर इज 5 अपॉन 2 एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, इट इज ट्रू। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? देन नेक्स्ट टॉपिक इज, now before going to next topic, we have to remember some basic things. First one is rule number 1. Some rules we have to remember. Rule number 1 is positive number is always greater than negative number. Okay, remember, for example, plus 5 is always greater than minus 2, negative number. Okay, then second statement is, see, two positive numbers are there. One is positive. Second is also positive. Two numbers are positive, positive. तो जो बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? बड़ा. For example, 5 is greater than 2. You know this. Okay? Then third one is, if two numbers are negative, इसमें भी negative है, first number. This is first number. That is negative. And second number, this number is also minus. That is negative. ओके, अगर दोनों माइनस रहेगा तो क्या करना है? द नंबर विच इज स्मॉलर
स्मॉलर इज बिगर, मीन्स जो स्मॉल रहेगा ना वो बिगर रहता है. फॉर एग्जांपल देखो माइनस टू एंड माइनस थ्री, इसमें अभी दोनों को माइनस माइनस साइन है, नेगेटिव नेगेटिव साइन है, तो जो छोटा कौन सा है टू, तो टू बड़ा रहेगा, मीन्स माइनस टू इज ग्रेटर दैन माइनस थ्री. अनदर एग्जाम्पल सपोज माइनस टेन एंड माइनस वन, तो बड़ा क्या रहेगा माइनस वन. ओके नाउ फोर्थ रूल इज सपोज जीरो एंड पॉजिटिव नंबर है तो ऑलवेज कौन सा ग्रेटर रहेगा पॉजिटिव नंबर. फॉर एग्जाम्पल जीरो इज लेस दैन फाइव, ओके फाइव इज ग्रेटर देन जीरो. अगर जीरो है और नेगेटिव नंबर है, जीरो एंड नेगेटिव नंबर, तो जो जीरो क्या रहेगा बड़ा. देखो फॉर एग्जाम्पल जीरो एंड माइनस फाइव, इसमें बड़ा क्या आएगा हमेशा जीरो आएगा, रिमेंबर दिस थिंग. माइनस फाइव बड़ा नहीं लिखना है, क्या लिखना है जीरो. ओके देन इफ वन नंबर इज पॉजिटिव सिक्स वन, वन नंबर इज पॉजिटिव, वन नंबर इज नेगेटिव, मैंने लिया देखो इधर वन नंबर इज पॉजिटिव वन नंबर इज नेगेटिव. अभी उल्टा लेता हूँ, फर्स्ट वन इज नेगेटिव सेकेंड वन इज पॉजिटिव, तो कौन सा बड़ा रहेगा पॉजिटिव के पास साइन आएगा, बराबर है. और ये पॉजिटिव फर्स्ट रहेगा तो ये पॉजिटिव के पास साइन आएगा, ठीक है. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे तो क्या करना है, देखो सपोज वन बाई टू एंड वन बाई थ्री ऐसा है, तो हम क्या करेंगे वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्या करना है देखो वन इंटू थ्री, वन इंटू थ्री कितना आएगा थ्री, वन इंटू टू कितना आता है टू, अपॉन इधर टू थ्री जा करना है, टू थ्री जा सिक्स, इधर भी सिक्स, अभी थ्री बड़ा है टू बड़ा है थ्री बड़ा है, तो ये ऐसा आएगा, तो क्या आएगा आंसर आपका वन बाई टू इज ग्रेटर दैन वन बाय थ्री. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस रूल्स, देन सी प्रैक्टिस सेट 1.2. कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, सी हियर फर्स्ट वन माइनस सेवन माइनस टू, अभी मैंने क्या बोला था माइनस माइनस रहेगा तो वो छोटा रहता है वो क्या रहता है बड़ा रहता है, तो इसके बीच में कौन सा साइन आएगा इससे आएगा ना माइनस टू इज ग्रेटर दैन माइनस सेवन, दैट मीन्स माइनस टू इज ग्रेटर दैन माइनस सेवन, ऐसा भी लिख सकते. नाउ जीरो एंड माइनस नाइन अपॉन फाइव, तो नेगेटिव नंबर क्या रहता है छोटा रहता है, जीरो क्या रहता है बड़ा रहता है, तो आपका साइन कैसे आएगा जीरो के पास, अभी लिख के दिया ना मैंने. नाउ एट अपॉन सेवन एंड जीरो, एट अपॉन सेवन जब भी कुछ भी साइन नहीं रहता है तो वी कंसिडर इट एज पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, तो साइन कैसे आएगा ये. नाउ इधर से माइनस फाइव प्लस वन बाय फोर, दिस इज प्लस नो, कुछ साइन नहीं रहेगा तो प्लस कंसिडर करना है, तो मैंने क्या बोला है पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर, तो कैसे आएगा साइन वन बाय फोर, ये ग्रेटर आएगा, ये ऐसा रहता है तो ग्रेटर का साइन, ये ग्रेटर है ना बड़ा है ना तो ग्रेटर का साइन. देन 40 अपॉन 29 एंड 141 अपॉन 29, अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हुआ बड़ा होगा, तो कौन सा बड़ा होगा 141 अपॉन 29. नाउ इधर से डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, न्यूमरेटर आर माइनस 17 माइनस 13, अभी दोनों माइनस है, दोनों माइनस रहेगा तो मैंने क्या बोला है जो छोटा रहता है वह बड़ा रहता है, तो छोटा क्या है माइनस 13, तो माइनस 13 क्या होगा अपना बड़ा, तो साइन ऐसा आएगा, ठीक है. नाउ 15 अपॉन 12 एंड 7 अपॉन 16, इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 16, ईयर भी क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके. नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 16, नाउ सी 15 मल्टीप्लाई बाय 16 आंसर इज 240 एंड 12 अप इंटू 16 इज 192, 12 7 जा 84 एंड अगेन 12 इंटू 16 इज 192, अभी कौन सा ग्रेटर है 240, तो साइड ऐसा आएगा बराबर, तो इधर साइन कैसा आ सकता है ये साइड में 15 अपॉन 12 इज ग्रेटर दैन, इधर लास्ट में लिखना है 15 अपॉन 12 इज ग्रेटर दैन 7 अपॉन 16, दिस इज योर लास्ट आंसर, ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज माइनस 25 अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4, अभी इधर देखो इधर 4 है इधर 8 है,
मुझे इधर 8 चाहिए, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से। अगर आपको ये नहीं समझता है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये इजी मेथड है। तो अभी 8 हो जाएगा डिनोमीटर, तो ऊपर क्या आएगा देखो, -25/8, ये एज इट इज रहेगा। इधर 9 2 18, दैट इज -18/8। अभी डिनोमीटर सेम हुआ, दोनों को निगेटिव साइन है, तो क्या होगा, जो छोटा रहता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो आपका छोटा कौन सा है, -18, तो ये साइड आएगा। तो इधर साइन कैसा आएगा, ऐसा आएगा। मीन्स आपका आंसर कैसा आएगा, -25/8 इज लेस देन -9 है ना, इधर -9/4, ठीक है, ये -9 है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 12/15, 3/5। ये कैसा करोगे बोलो, 12/15 and 3/5। चलो भाई इधर करके दिखाता हूँ आपको, 12/15 and 3/5। अभी देखो 5 के टेबल में 15 आता है, बराबर है। तो 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 15 आएगा। 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर नीचे करते तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बराबर है। तो अभी क्या आएगा इसका आंसर, 12/15 and 3 3 9/15। इधर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज वी वॉन्ट डिनोमेटर इक्वल। ओके, नाउ सी 15 15, विच इज ग्रेटर, आइदर 12 इज ग्रेटर और 9 इज ग्रेटर, 12 इज ग्रेटर। तो साइन कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इधर साइन क्या आएगा आपका, 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज -7/11 -3/4। इधर लिखता हुआ -7/11 and -3/4, बीच में साइन क्या डालना है। ओके, इधर देखो 4 के टेबल में 11 आता है क्या, नहीं आ रहा है। 11 के टेबल में 4 आता है, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 4 जा, दैट इज -7/4, इसे भी आप करके देख सकते हैं। एंड -3/11, 7 4 जा कितना आता है, 28, और 11 3 जा कितना आएगा, -33। दोनों में डिनोमीटर कितना आएगा बोलो जरा, 11 4 जा 44, इधर भी कितना आएगा, 44, इधर भी कितना आएगा, 44, इधर ऑल्सो 44। डिनोमीटर 11 4 जा, ये मल्टीप्लाई करना है। अभी कौन सा ग्रेटर है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो छोटा रहता है वह बड़ा रहता है। तो साइन कैसा आएगा, ये -28 के पास आएगा। दैट मीन्स ये -28 मीन्स क्या है, -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। दिस इज योर लास्ट आंसर एंड दिस एंड्स योर प्रैक्टिस सेट 1.2। देन नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस सेट 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 इज 9/37। चलो हम करके देखते हैं, 9/37। ओके, तो अभी क्या करना है, 37 का टेबल हमें बाजू में बना के लेते हैं, ठीक है। 37 1 जा 37, 37 2 जा, 37 3 जा, 37 4, 37 5, 37 6, 37 7, 37 8, 37 9 एंड 37 10। टेबल तो आप बना के ले सकते हैं बाजू में, तो इजी जाएगा आपको। टाइम तो आपको बहुत है एग्जाम में, टाइम का प्रॉब्लम इश्यू नहीं है, बराबर है। तो हम टेबल बना के लेते हैं पहले 37 का। नाउ सी दिस इज द टेबल ऑफ 37। 37 2 जा 74, 111 148 185 222 259 296 333 and 370। अभी देखो इधर 9 को 37 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर 0 से डिवाइड करेंगे, बराबर है। तो 0 0 37 0 0 9। अभी ऊपर एक 0 लिया तो इधर क्या आता है, पॉइंट। अभी 90 देखो किधर आ रहा है, 37 2 जा 74, 3 जा नहीं होगा ना, तो 37 2 जा 74, माइनस साइन, रिमेंबर ये माइनस साइन नहीं भूलना है। 10 - 4 6 16, अगेन ऊपर क्या देना है, 0। 160 किधर आता है देखो, इधर आता है 37 4 जा में, बराबर। तो 37 4 जा कितना आएगा, 148। अभी बोलो आगे, ये 2 आएगा, बराबर 10, इधर 0 लिया अभी।
120 किधर आ सकता है, इधर 37 थ्रीजा, देखो तो इधर क्या लिखेंगे हम, 37 थ्रीजा 111, तो अभी आगे माइनस 10 माइनस 19, ये 0 0, अभी देखो फिर 9 आ गया। अभी फिर ये नंबर जब आता है ना तभी हमें स्टॉप करना है और इसके ऊपर क्या करना है, लाइन खींचना है। इसका मतलब ये जो नंबर है 243, ये रिपीट 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 होगा, मीन्स इसका आंसर कैसा आएगा, 9/37 इज इक्वल्स टू 0.243, उसके ऊपर क्या करना है, इसे बार डालना है। इसका मतलब होता है वो रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ये डेसिमल फॉर्म ने हमें क्या किया, 9/37 को लिख दिया। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 18/42। अभी हम करके देखते हैं, इधर 18 डिवाइडेड बाय 42, तो अभी 42 का टेबल इजी है बनाना। देखो 42 वन जा 42, वेरी इजी, 42 टू जा 2 जा 4 आएगा ना, और 4 टू जा 884, 42 थ्री जा 4, 3 जा 3 टू जा 6, और 4 थ्री जा 12, 42 4 जा, वेरी इजी, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, 42 5 जा कितना है का, 5 टू जा 10 0, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 टू 10, 42 6 जा 6 टू जा 12 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 42 7 जा 7 टू जा 14, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 42 8 जा ओके 8 टू जा 16, और ये 33 20 प्लस 16 336, देन 42 9 जा 9 टू जा 18, और 9 सिक्स 36 360 प्लस 18 378, एंड 42 10 जा 420 ओके। नाउ सी हियर, 18 को डिवाइड नहीं होता है 42 से, फर्स्ट हमारा क्या आएगा 0, 42 0 जा 0 ओके, 18 एज इट इज। अभी ऊपर एक 0 लेते हैं तो इधर क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अभी देखो 180 किधर आ रहा है, 180 देखो 4 में आ रहा है ना, 42 4 जा, इधर देखो 168, हाँ क्यों 168 लिया, 210 180 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे 168, 42 4 जा 168। अभी इधर देखो 10 माइनस 8 टू 1 0, अभी ऊपर 0 लेते हैं, अभी 120 किधर आएगा, 42 2 जा, बराबर है 42 2 जा 84। अभी माइनस, इधर भी माइनस साइन, 10 माइनस 4 6, इधर 3 आएगा, इधर 0 आएगा। अभी ऊपर फिर एक 0 लेते हैं, 360 किधर आएगा, देखो 360 42 8 जा, बराबर 42 8 जा, कितना आएगा 336, 336। अभी 378 क्यों नहीं लिया, वो इससे बड़ा है, माइनस 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 3 प्लस 1 4 2 0। अभी फिर ऊपर 0 लेते हैं, तो अभी किससे डिवाइड होगा, देखो 240 की छोटा नंबर 42 फाइजा, 42 फाइजा 210। अभी देखो इधर 0, 4 माइनस 1 3 0, कितना आ रहा है 30, इसको मैं इधर लेता हूँ थोड़ा 30, इसके ऊपर एक 0 लेंगे, बराबर है 300। अभी 300 किधर, 300 के बीच का नंबर 42 7 जा, बराबर है 42 7 जा, कितना आ रहा है 294, 294 प्लस 6 300, नो 6 लिखो डायरेक्ट, ठीक है। अब ऊपर 0 लिया 60, तो फिर क्या आएगा 42 1 जा, 42 1 जा 42, अभी कितना बचता है देखो 18 बचता है, तो आ गया 18 ओके। तो इधर हमें क्या करना है, स्टॉप करना है और इसके ऊपर क्या डालना है, समझ रही है, इसका मतलब क्या होता है, ये फिर रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो अभी आंसर क्या आएगा, 18/42 इज इक्वल टू 0.42858571। दिस इज योर लास्ट
आंसर। ओके, लास्ट आंसर को हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है, बराबर है। राइट योर सेल्फ दिस, ये आपको कम से कम 5 बार सॉल्व करके देखना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9/14। ओके, राइट हियर 9/14, 14 का टेबल भी आता है आपको। चलो अभी 9/14, पहले क्या आएगा, 14 0 जा 0। ओके, 9 एज इट इज 90, 14 का टेबल बोलो, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। तो किधर आएगा, 6 आएगा, बराबर पॉइंट आएगा इधर, 14 6 जा 84, 6 आएगा 0। ओके, अभी किससे डिवाइड होगा, 14 4 जा 10 माइनस 4 6, 0, 14 4 जा आएगा ना, 14 4 जा 56, ये डिवाइड होता है, माइनस होता है ना 56, तो कितना आता है, 4 आता है, 0। ओके, 40 लिया, इधर लेता हूँ 40, इधर से करता हूँ अभी कंटिन्यू 40, तो 40 को किससे डिवाइड होगा, 14 2 जा 28, 2 आएगा इधर, 1 आएगा, बराबर 0। अभी फिर 14 8 जा, कितना आता है, 1 1 2 नो, माइनस करो अभी 8, ये 0, ये भी 0, फिर 80 आया। अभी किससे डिवाइड होगा, 14 5 जा 70, तो कितना बचता है, 10, फिर लेते हैं 100, फिर 14 7 जा 98, फिर बचता है 2, फिर 14 1 जा 14, ये माइनस साइन चाहिए, फिर बचता है 6, अभी देखो 6 आ गया, फिर ये देखो 60 है ना, इधर इधर देखो ये 60, फिर ये 6 के ऊपर 0 आएगा, फिर वो रिपीट होगा ना, तो अभी आंसर क्या आएगा, 0.642857 1। अभी इधर एक ट्विस्ट क्या है, देखो किधर से रिपीट हो रहा है, देखो इधर 60 से हो रहा है, 60 से हो रहा है, मीन्स हमने 4 से डिवाइड किया था, उधर से रिपीट हो रहा है, ये 6 नहीं आ रहा है रिपीटेशन में, तो ये 12 है ना, ये 4 के आगे आएगा, ठीक है, 4 से आगे 12 आएगा, 4 के पीछे नहीं आएगा, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 9/14 इज इक्वल टू 0.642857 1, 4 से आगे ये 12 आएगा, इसको 12 बोलते हैं, ठीक है, 4 के आगे आएगा, 6 के ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 9 रिपीट नहीं हुआ है, 6 से रिपीट हुआ है, इसलिए हम 42 8 5 7 1, तो ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है -103/5, तो माइनस साइन हम बाजू में रखते हैं, पहले हम कर देते हैं 103/5, ठीक है, चलेगा। तो अभी क्या आएगा, देखो 5 2 जा 10, इधर तो डायरेक्ट हो रहा है, तो 0 0, ऊपर से 3 लिया, डिवाइड होता है नहीं होता है, तो किससे करते हैं, 0 से, तो 0, बराबर, तो इधर क्या आएगा, अभी 30, तो इधर क्या आता है, पॉइंट, 5 6 जा 30, तो आंसर क्या आएगा, देखो लेकिन इधर साइन क्या देना है हमें, नेगेटिव साइन देना है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, -103/5 -20.6। अभी इसके ऊपर एरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 0 आ रहा है ना, तो टेंशन ही नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, पूरा 0 0 आ रहा है, तो ये इजी है, ये समझ गए आप, इजी है सबसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -11/13, मीन्स फर्स्ट हम क्या करेंगे, 11/13 ऐसा करेंगे और निगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है। अभी देखो 13 0 जा 0,
तो आएगा 11, इसके ऊपर क्या देते हैं 0, तो इधर क्या आएगा पॉइंट। अभी 13 एट जा कितना आता है 104, तो अभी इधर 6 0 0 60। अभी देखो 13 4 जा 52, तो कितना बचता है 80, ओके 80 आया। अभी देखो 13 6 जा 78, रिमाइंडर इज 2। अगेन 13 1 जा 20, से 13 माइनस होता है 13, तो कितना बचता है 7, इधर लेता हूँ मैं 7 बचता है, तो 70 आएगा, बराबर है। अगेन किससे डिवाइड होगा 13 5 जा 65, कितना बचता है 5, ओके ऊपर 0 लिया। फिर 13 3 जा 39, अभी कितना बचता है 1 और 1, फिर 11 आ गए, देखो 11 11 आ गए ना, तो अभी आप हमारा लास्ट आंसर रहेगा। खाली साइन क्या देंगे हम, नेगेटिव, तो मीन्स इसका आंसर कैसा आएगा, -11/13 इज इक्वल टू -0.846153, और इसके ऊपर क्या आएगा बार, क्यों बार आएगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, बराबर ये रिपीट हो रहा है, ओके। दिस एंड्स योर प्रैक्टिस सेट 1.3।